बट आप लोग किसी को अपने घर पे क्यों नहीं बुलाते हो? सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं फंक्शन में जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप दूसरे के फंक्शन में जाते हो, आप अपने घर में फंक्शन क्यों नहीं? बहुत सामने केस देखा है, हाँ, यूट्यूब पर देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है कि भाई बच्चों को टीचर्स ही इतने बुरी तरह मारते। तो गाइज पापा और मम्मी आ चुके हैं घूम के, पहले पूछते सबसे पहले एक्सपीरियंस। सो गाइज मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी पापा दोनों आ गए हैं, मतलब वो अपने जहाँ पे चार धाम यात्रा घूमने गए थे वहाँ से घूम के आ गए और मिस्टी के लिए कुछ लेके आए। हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी, दूसरों के ताज का व्लॉग। इसी जोश में हम लोग अपना व्लॉग भी एंड करेंगे आज। तो अभी हम लोग गाइज यहीं पे हम लोगों ने खाना खा लिया है, मैंने और कार्तिक ने, मिस्टू ने तो अभी नहीं खाया, मिस्टू बाद में खाएंगे, बाकी मैंने अपना सारा काम करके हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। और कार्तिक पूरा बिस्तर बिखार लेता है, पूरा बिस्तर, मैं पूरे टाइम सरियाती रहती हूँ, पूरा टाइम ख़राब करता रहता है। तो अभी वो लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, और कार्तिक का ये वाला बुक है ना, इसमें कार्तिक मतलब एक गाना टाइप का है, पोएम टाइप का, पोएम है कि गाना पता नहीं, वही सुनता रहता है, डांस करता रहता है देख देख के। और कार्तिक का बहुत जल्दी मैं एडमिशन कराने वाली हूँ प्ले स्कूल में, स्कूल में अभी देखने जाऊँगी एक्चुअली, अभी हमारे आसपास मतलब है कुछ जो जिनके बच्चे जाते हैं, तो मैं जाऊँगी वहीं पे कार्तिक के लिए बात करने, बट देखूँगी अगर एडमिशन हो गया तब ठीक है, वरना फिर अगले साल कराऊँगी जब 4 साल का हो जाएगा फिर, क्योंकि उस टाइम तक शायद पूरा प्रॉपर बोलने लग जाएगा इसलिए। और हम लोग अभी इसलिए स्कूल में नहीं डाल रहे कार्तिक को ना, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, और किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है ना, मतलब अगर मान लो उसको मारा पीटा या किसी बच्चे ने ही मारा पीटा तो ये बोलेगा ही नहीं, फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा, है ना? क्योंकि स्कूल्स में सारे स्कूल नहीं, कुछ स्कूल्स में ऐसा बहुत सामने केस देखा है, हाँ, यूट्यूब पर देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है कि भाई बच्चों को टीचर्स ही इतने बुरी तरह मारते हैं, आपने भी देखा होगा श्योर कहीं ना कहीं पे कि चोट लग जाती है उनको, ज़्यादा कुछ बोलना बोलूंगा नहीं, यूट्यूब है भाई ये, तो इसीलिए हम लोग मतलब ना अभी स्कूल इसको डाल नहीं रहे हैं, बस इसी डर से कि ये अभी बोल नहीं पाता है, अगर कोई इसको मारेगा अभी तो भी तो ये नहीं बोल पाएगा, है ना, कोई इसको डांट मतलब डांटो छोड़ो छोड़ो, वो तो हर स्कूल में थोड़ा बहुत डांटते हैं, लेकिन अगर बाहर किसी ने इसको कुछ किया तो वो बता नहीं पाएगा ना हम लोग को, इसलिए इसी डर से हम लोग अभी इसको स्कूल नहीं डाल रहे हैं। मेन चीज़ ये नहीं कि बोल नहीं रहे, बोलता ही अब है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलता, बोलता है बट समझता भी बातों को, बट अभी हम लोग इसको इसी रीज़न से स्कूल नहीं डाल रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेकअप करने, मतलब मेकअप नहीं करूँगी आज मैं बहुत ही सिंपल मेकअप थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि ना डेली मेकअप कर करके रील बनाने से ना चेहरा बहुत ख़राब हो जाता है, अब इसलिए सोचा मेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ आई मेकअप करेंगे और आईलाइनर लगाएंगे, बाकी फेस ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि हम लोग फिल्टर लगाते हैं वीडियो में तो वो वैसे ही चमक जाता है फेस। और अभी मैंने फेस मास्क लगाया था, पता है, मसूर दाल और नींबू और हल्दी और बेसन डाल के, थोड़ा सा मसूर दाल को भिगा के रखा था रात भर, फिर उसको पीस के उसका पेस्ट मैंने फेस पे लगाया था, तो बहुत अच्छा शाइन कर रहा है चेहरा बहुत। तो मम्मी पापा भी आज आ जाएंगे शायद शाम तक, जब तक मैं हम लोग कोचिंग से आएंगे शायद 5-6 बज जाएगा मम्मी पापा आने में, 6-7 भी बज सकता है। तो आई होप कि आप लोग ब्लॉग को इंजॉय करोगे, अभी हम लोग मैं मेकअप करती हूँ तो मिस्टर आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे, क्योंकि मैं तो मेकअप करूँगी मेरा हाथ बिजी रहेगा। सो गाइज मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी पापा दोनों आ गए हैं, मतलब वो अपने जहाँ पे चार धाम यात्रा घूमने गए थे वहाँ से घूम के आ गए, और मिस्टी के लिए कुछ लेके आए, वो मेरे लाए थे 2 कड़ा हाथ का, मंदिर से लाए, हाँ वहीं से, मतलब वहीं से लाए हैं ना, और 1 मंगलसूत्र। तो ये मंगलसूत्र अभी मैं पहनूंगी नहीं, वैसे ये मैं जैसे जब ये मेरा अगर कुछ हो जाएगा इसमें तब मैं, ये वाला गाइस जो टूट गया था ना मिस्टी कह रहे थे ना, टूट गया था मेरा, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था ये टूट गया था, जोड़ दिया टूटा नहीं था, मतलब वो जॉइंट्स होते ना वो निकल गया था, ये ना गाइस सिल्वर का है, इसलिए ना ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे गले में पहने में बहुत अच्छा शाइन करता है, निशान दिख रहा होगा ये वाला, लेकिन ये जलने का निशान है, ये ब्लैक, ये जलने का निशान है, उसके बगल में जो है वो रैशेज हो गया था गर्मी से, अभी जो पीछे बहुत गर्मी पड़ रही थी, पता नहीं कैसे हटेगा, दवाई तो लगा रही है इसको हटाने, वो अलग से दिखता है ना, चमकता है एकदम, हाँ शाइन मारता है अलग से। तो गाइस बताना कड़ा कैसा लग रहा है, और मैं जब वहाँ गई थी ना थापे, तो मैं वहाँ से सबके लिए लेके आई थी इयररिंग्स वगैरह। तो अभी चलते हैं मम्मी पापा से ही बात कर लेते, थोड़ा सा बॉल आया और कार्तिक के लिए बॉल आया, वाह कार्तिक क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, दिखाओ क्या हुआ, बाल है, हाँ दो ये बोलो मम्मी, मम्मी बोलो, अभी खेलना नहीं है, अभी खाना है तुमको, अभी खाना है, अभी खेलना नहीं है।
तो गाइज पापा और मम्मी आ चुके हैं घूम के, पहले पूछते सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे सबके मजा आई उन्हें? बहुत अच्छा दृश्य देखने वाला है। हाँ। चारों धाम बारिश ज्यादा होते लोग ना, चौबीसों घंटा बुझात लगे बर्फ में आदमी बढ़ रहे। अच्छा। ना उन्हें ए सी ना पंखा रूम में को ना पानी तो दम बर्फ। कहाँ पानी में हाथ डालो तो कहाँ पर? मसूरी। मसूरी में टावर भी तो ना होता लो, टावर बीस मिनट में नहीं जाए धर्मशाला में, उनसे टावर ना होता ऊपर टावर आओ तो नीचे ना हो। पापा ने मेरे को व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा था गाइज, पता है मैं कॉल लगाया पहले तीन चार बार, फिर आवाज़ ही नहीं आ रहा था, फिर रिकॉर्ड करके भेज दिया व्हाट्सएप पे, चिंता मत करना हम निकलेंगे यहाँ से तो कॉल करेंगे, टावर नहीं आ रहा यहाँ पे ऐसा कुछ। मैं तो इतना खेती हो रही थी कि बच्चों के साथ आते हैं, इतना अच्छा लगता है। बहुत भारी मंदिर था। अच्छा जाइए। फिर मैं बोल के आई हूँ कि अब की पारी आऊंगी पूरा परिवार के साथ। लेकिन हाँ घूमने वाला देश बुझो, स्वर्ग पर धरती पर एगो स्वर्ग भाव, धरती पर स्वर्ग भाव स्वर्ग मसूरी तो गाइस सुना है हमने भी बहुत ज्यादा। ले जाएगा फिर नाले को नियंत्रण का हालत इनके खराब है, दलदल दांत काट कट 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 करते हैं, ठंडा से ठंडा से तौली यहाँ कितना गर्मी है तो इधर झिसीरी पड़ता है ज्यादा। बापू तो ही वो ठंडा कुछ मैंने हमने लाइक मार दाना लाइक ठीक रहो जहाँ हम लोग रुके थे मसूरी में। अरे वो तो नहीं थी लेकर लेके गए रहो, लेकिन गर्म कपड़ा है जाने का रास्ता मैंने सही है वहाँ का मौसम आँख लाल लगी बटे। हाँ पानी तो नहीं ठंडा से। हाँ तो वो लोग बोले कि नहीं अगर पहाड़ बारिश हो रहा है पहाड़ गिर के तो फंस जाओगे, सही बात है उसी में फंस जाओगे ना इधर के। बाबा पैसे वाले सब काम करते हैं आप मत कीजिए, पैसे वाला लोग घूमते हैं। तो गाइस हम लोग ये बोलने वाले थे इस व्लॉग में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम लोग एंड में मैं मुझे आपको कुछ बात बतानी है या आपसे कुछ बात करनी है। तो बात ये है कि आप लोग पूछते हो कि आप लोग अपने घर में फंक्शन वगैरह क्यों नहीं करते। एक फर्स्ट ही फंक्शन था वो हमारा जो हमने कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो भी हमने अपने यहाँ पर नहीं किया था, हमने वो किया था बड़ाना में किया था, अम्बाला में है ना जहाँ पर सचिन मंसा रहते हैं उनके वहाँ पर हमने किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है। और हम आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप लोग यूट्यूबर्स को क्यों नहीं बुलाते अपने घर में, सब लोगों के फंक्शन में आप जाते हो, वहाँ पे इवेंट में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, सब यूट्यूबर्स के घर जाते हो, बट आप लोग किसी को अपने घर पे क्यों नहीं बुलाते हो? सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं फंक्शन में जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप दूसरे के फंक्शन में जाते हो, आप अपने घर में फंक्शन क्यों नहीं करते हो? हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि मेन चीज़ तो हमारे पास ऐसे जगह नहीं है रखने का, मतलब यूट्यूबर्स को ऐसे कहीं पे हम लोग रख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों के पास दो ही रूम है, अभी हमने एक रूम ले रखा है वो तो अभी एक दो महीने हुआ ही लिया हुआ, तो अभी शायद हम लोग उसको भी शायद जल्दी खाली कर दें, बाकी दो रूम तो हमारे पास है ही। तो हम लोग जैसे कुछ इवेंट वगैरह रखते कुछ फंक्शन होता है घर में, बर्थडे शादी या कुछ, शादी तो हम जैसे शादी किया तो गाँव में किया तो वहाँ पर हमने बुलाया था सबको, जितने यूट्यूबर्स को हमको बुलाना था हमने सबको बुलाया था, सबको अच्छे से रखा भी था, बट यहाँ पे हम लोग फंक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हमारे पास घर नहीं है गाइस और रखने के लिए लोगों को जगह नहीं है, ठीक है। और हम लोग एक रूम में अगर रखेंगे तो आप लोग भी कमेंट करेंगे देखो गाइस कैसे रख रहे हैं ये वो फलान ठिकाना जो भी, ठीक है। इसलिए हम लोग किसी यूट्यूबर्स को अपने घर पर नहीं बुलाते और हम लोग अभी फंक्शन वगैरह करने रहे, जब हम लोग घर ले लेंगे तब हम लोग भी फंक्शन वगैरह करेंगे, कुछ इवेंट होगा तो वो भी रखेंगे हम लोग भी, तब हम सबको बुलाएंगे, तब बहुत मज़ा आएगा, तब सबको बुला के रखेंगे। और बाकी कार्तिक का स्कूल का एडमिशन की बात मैंने की थी पहले, वो मैंने बताया ना, अगर अभी मैं जाके देखूंगी स्कूल कैसा है, अगर ठीक ठाक रहा तो मैं उसमें एडमिशन कराऊंगी, नहीं तो फिर अभी नहीं, फिर एक साल जब चार साल का हो जाए कार्तिक तब करवाऊंगी एडमिशन, तो अभी देखूंगी मैं जाके, बाकी उसका भी मैं ब्लॉग वगैरह अगर बनाना होगा तो मैं बनाऊँगी ज़रूर, दिखाऊँगी कैसा स्कूल है। आई होप कि अच्छा ही हो, अगर इस साल कार्तिक एडमिशन हो जाता तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है, नहीं तो चार साल का होगा तब तो वो प्रॉपर बोलने लग जाएगा, अभी तो बोलता है थोड़ा बहुत, प्रॉपर बोलने लग जाएगा तो शायद उसके प्रॉपर बोलने लग जाएगा ना तब उसको और अच्छा लगेगा स्कूल जाने में, बात करेगा हमसे, बात करेगा स्कूल में, बात करेगा सबसे। इसलिए अभी मैं जाऊंगी स्कूल देखने, तब आप लोगों को मैं व्लॉग में दिखाऊंगी वो। बाकी आई होप आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप आती रहे। तो आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, तो जाइए जल्दी जाके फॉलो कीजिए।